सो so, अगर गाड़ी की बात की जाए तो फुली डिजिटल डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है फिलहाल एक्सेसरी मोड्स में ऑन करके दिखाता हूँ कुछ इस तरह का इसका एनिमेशन जो इसकी आ रही है मैं कहता हूँ बेहतरीन अलव दिस डिजिटल डिस्प्ले साइड पे आपके पास एक कंप्लीट स्क्रीन है जिसमें आपके पास साइड पे हार्ड बटन्स भी दिए गए हैं हार्ड बटन्स ऐसे नहीं हैं ये टच सेंसिटिव बटन्स हैं विच इज़ अ गुड थिंग एक सेकंड जी तो हम इसको स्टॉप करते हैं एंड देन बैक ले आते हैं कि इससे पहले के कॉपीराइट आ जाए तो इसमें इस तरह के मज़ीद फंक्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि इन फ्यू फर्दर आपको वीडियो में मैं बताता हूँ सो अलैक गायज एंड वेलकम बैक टू अन अदर वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत होंगे सो so, आज मैं आप लोगों के लिए होंडाए सो नाटा का एक वॉक राउंड लेके हूँ इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर और ऑप्शन की बात की जाएगी ये कहाँ पर अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा और इस वीडियो में इस गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों को बताई जाएगी तो दो हज़ार इक्कीस की होंडा एसोन्टा टॉप वेरियंट है मतलब टू पॉइंट फाइव वाली एक गाड़ी है इसकी की से स्टार्ट कर लें तो इस गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस मिल जाते हैं इसकी की पे ही अगर मैं बात करूं जिस पर लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज़ और होल्ड का फंक्शन मिलता है होल्ड का फंक्शन मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूं सो तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर लगे हुए लिंक पर क्लिक करके आप इस फंक्शन के बारे में देख सकते हैं जब मैंने इसका डिटेल रिव्यू किया था सो फ्रंट लुक्स की बात की जाए तो फ्रंट से भी इसकी काफ़ी एक एग्रेसिव सी लुक आती है होंडाई की तमाम गाड़ियों में आपको सिग्नेचर ग्रिल ही मिलती है प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट्स है ये इसकी डी आर एल ए जो ऊपर तक जाती है और इसी में इसके टर्न सिग्नल्स भी आपको मिल जाते हैं देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट सिग्नल्स हैं पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं क्रोम लाइनिंग आपको मिल रही है पेनारोमिक सन रूफ इस गाड़ी में मिल जाता है स्टैंडर्ड अलॉय रिम्स आपको मिल रहे हैं 18 इंचेस के जिनका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरी कंडीशन है ऑलमोस्ट स्क्रैचलेस गाड़ी है गाड़ी में फ्रंट पे पैसेव एंट्री आपको मिल जाती है शार्क फिन एरियल बैक पे ओडी की तरह ऊपर आपको काफ़ी मैसेफ सी ब्रेक लाइट मिलती है हाई माउंट ब्रेक लाइट इसको कहते हैं नीचे आ जाएँ तो आपके पास बैक पर भी एल ई डी लाइट्स तमाम मिल रही हैं टू पॉइंट फाइव की बैजिंग सोनाटा की बैजिंग और इसके अगर बूट की बात की जाए तो ये इसका बटन दिया गया है इसको प्रेस करके आप इसका बूट ओपन कर सकते हैं काफ़ी कवर्ड बूट है बूट स्पेस भी इस गाड़ी में काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है और बीच में आप देख सकते हैं सीट्स भी आप इसकी इस लैस को पुल करके तो इसकी सीट्स को फोल्ड करके आप बूट स्पेस और इंक्रीज कर सकते हैं बैक में भी आपको पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं और आपके पास रिफ्लेक्टर लाइट्स मिल जाती हैं और आप अंदर चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर का एक वॉक राउंड देते हैं बैक भी इसकी देख सकते हैं फ्रंट की तरह काफ़ी ख़ूबसूरत और काफ़ी बल्कि बैक है और अब मैं इंटीरियर की तरफ आ जाऊँ तो फिर सी जैसा मैंने पहले कहा कि ये प्रॉपर एक डी सेगमेंट की सीडान है तो इसमें आपके पास लेगरूम अच्छा मिल जाता है सेंटर में एक ट्रांसमिशन टनल है देन आपके पास यू पोर्ट मिल रही है टाइप सी वाला पोर्ट नहीं है रेयर पर कोई एसच आपको ए सी के कंट्रोल्स नहीं मिलते बट ये अच्छी चीज़ है कि एयर वेंट्स आपको मिल रहे हैं प्राइवेसी शेड्स आपको मिल जाते हैं बैक पे ऑटो कर्टन है पेनारोमिक सनरूफ है ऊपर की बात की जाए तो आपके पास ये देख सकते हैं कैबन लाइट्स आ जाती है। और यहां हैं और यहाँ से डैशबोर्ड का व्यू आप देख सकते हैं फ्रंट साइड पे चलते हैं आपको बताते हैं गाड़ी में आपके पास मल्टीपल एयरबैग्स हैं सीट्स इसकी यार कंफर्टेबल हैं अगर मैं पाकिस्तानी गाड़ियों से कंपेयर करूं जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ हैं उनसे कंपैरिजन करूं तो इसकी सीट्स काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हैं बट स्टिल पाकिस्तानी गाड़ियों में एक चीज़ की मुझे कमी फ़ील होती है कि भाई आप ना थोड़ी देर अनकंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर देते हैं आप थक जाते हैं थोड़ा सा आप ये गाड़ियाँ ड्राइव करें तो बंदा थक जाता है इवन आप देख लें सेवे करोला होंडा की कोई गाड़ी ले लें तो दो तीन घंटे चलाने के बाद बंदा काफ़ी थक जाता है जबकि जर्मन गाड़ियों में ऐसा सुनहरियो नहीं है इवन जो जैपनीज़ आप एक सर्टन कैटेगरी की गाड़ियाँ लेते हैं जिसमें आपकी एक्वा आ जाती है सी एच आर होगी वीसल वगैरह होगी तो ये भी आपको ना सीट्स इनकी इतनी स्टिफ होती हैं कि बंदा ना तंग पड़ जाता है कि यार ये मैं किस वो कहते हैं ना असाब में पड़ गयूँ इस तरह की वो अनकंफर्टेबल सीट्स इन गाड़ियों की होती हैं बाकी अगर बात की जाए ऑब्वियसली जर्मन गाड़ियों में तो कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है हाँ लैंड क्रूजर में अगर आप या ऊपर के सेगमेंट की गाड़ियाँ लेते हैं जैसे क्राउन वगैरह होगी वो तो नो डाउट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं उनमें तो आपको ऐसे कोई फील नहीं होता मैं बात करें छः सौ साठ सी सी हज़ार सी सी पंद्रह सौ अठारह सौ सी सी इस कैटेगरी की जैसे सैलून कार्स आपकी नॉर्मल आती हैं ये पी एस वगैरह होगी या इस तरह की जो गाड़ियाँ ना वो आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील कराती हैं बट ऑबियसली है अगर जैपनीज़ में आपको कम्फर्टेबल चाहिए तो फिर क्राउन है लैंड क्रूज़र है ये गाड़ियाँ काफ़ी कम्फर्टेबल हैं मतलब प्राडो वगैरह भी काफ़ी कम्फर्टेबल है फॉर्चुनर मतलब भी काफ़ी हद तक अनकम्फर्टेबल है बट उसका जो जी आर पैकेज है वो थोड़ा सा आपको ना वो फेब्रिक की वजह से थोड़ा बेहतर फील कराता है बट वो हम फिर किसी और वीडियो में बात करें अब आगे चलते हैं जो इसके फ्रंट सीट्स के बारे में बात करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके फर्दर ऑप्शंस और मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो को जितना अनकट रख सकूं फ्रंट पे जैस पैलता है पैसेब इंट्री है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सीट्स हैं सोनाटा की आपको प्लेट मिल जाती है और इस गाड़ी में जो एक यूनिक चीज़ है जैसे आप आते हैं तो कुछ इस तरह की इसकी एनिमेशन आती है आपको वेलकम इस तरह करती है ट्रैक्शन कंट्रोल बूट ओपनर इसकी हैंड ब्रेक जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है ये काइंड ऑफ ई ब्रेक है इसकी देर यू सी ये इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर जो आपकी बीच वाली स्क्रीन है उसकी लाइट्स को एडजस्ट करने का है काफ़ी देखो सिंपल डिज़ाइन है बट काफ़ी मॉडर्न वाइब दे रहा है और एक आपको ना मैं कहता हूँ बैठते साथ ही एक वाव फैक्टर आपको ये गाड़ी देती है स्टेयरिंग व्हील पे आ जाएँ तो आपको बेसिक क्रूज़ कंट्रोल मिलता है इस साइड पे आपके पास ये इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स हैं और जो कि देख सकते हैं अच्छी वाइब दे रहे हैं बाकी गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं सो देर यू सी कुछ इस तरह का इस गाड़ी का स्टार्टअप था गाड़ी पाँच किलोमीटर चली हुई है इस स्क्रीन पे आ जाएँ तो इस गाड़ी में आपको एंड्रॉड ऑटो कारपले की ऑप्शन मिल जाती है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह है तो जो कि विच इज़ वनस अगेन अ गुड थिंग फ़ोन अभी नहीं कनेक्ट करते नीचे आ जाएँ डुअल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल रहा है यहाँ से आप टम्परेचर अपना एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से फ़ैन की स्पीड ए सी ऑन ऑफ़ और नीचे आ जाएँ तो आपके पास यूएस वी पोर्ट्स दिए गए हैं वायरलेस चार्जर इस गाड़ी में आपको मिल जाता है ये जो है इसको ड्राइव बाई वायर टेक्नोलॉजी एक गेयर नॉप कह सकते हैं गाड़ी में सराउंड व्यू कैमरा की ऑप्शन आपको मिल रही है पार्किंग सेंसर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं देन ड्राइविंग मोड्स गाड़ी में कस्टम एक सेकेंड आपको हम दिखाते हैं इस गाड़ी के डिफरेंट मोड्स इस गाड़ी में कौन कौन से आपको मोड्स मिल रहे हैं गाड़ी में कस्टम है स्पोर्ट्स है कुछ इस तरह की एनिमेशन आती है कंफर्ट है इको मोड आ जाता है न स्मार्ट मोड आ जाता है और बीच की जो टच स्क्रीन है उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं जैसे फ्यूल एवरेज वगैरह आ रही है ये मोड का आ गया यहाँ पे आप कुछ और रखना चाहते हैं एंड यहाँ से नीचे हेड जब डिस्प्ले की ऑप्शन आ जाती है इस गाड़ी में हेड जब डिस्प्ले भी है इस वक्त तो शायद आप लोगों को ना नज़र आ रहा हो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह आप लोगों को हेड जब डिस्प्ले नज़र आ जाए बट ये यहाँ पे करके इसका हेड जब डिस्प्ले नजर आ रहा है देन जी आउटसाइड टेम्परेचर बता रही है फ्यूल गैज हीट गैज 260 का ओवरऑल मीटर है इस गाड़ी में आपको मिल जाता है एंड देर यू सी हेड जब डिस्प्ले है यूज़र सेटिंग है हेड जब डिस्प्ले में हम आते हैं तो so, ये इस वक्त बंद हो गया हेड जब डिस्प्ले और इसको बैक में ऑन कर लेता हूँ चेक ब्लाइंड स्पॉट ओके okay. सो so, सामने आपके पास हैड जब डिस्प्ले भी शो हो रहा है देन हम इसके बाद आ जाते हैं ऑटो होल्ड का फंक्शन है देन रिवर्स पे डालें तो रिवर्सिंग कैमरा का व्यू आप देख सकते हैं गाइडलाइंस अडेप्टिव है एक अच्छी चीज़ है जैसे ही आप गाड़ी को रिवर्स में करेंगे तो so, आपका बैक जो शेड है वो नीचे चला जाएगा ऑटोमेटिकली और बैक टू न्यूट्रल और हम इसको पार्किंग में ले आते हैं तो देख सकते हैं जैसे मैं पार्किंग में करूँगा तो इसका शीट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा मैंने इसको कहीं से कंट्रोल नहीं किया ट्रेन कापोल्डर से आमब्रेस्ट भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट है और अगर इसकी बात की जाए इसमें आपके पास अच्छी स्पेस मिल जाती है ग्लव कंपार्टमेंट में भी आपके पास अच्छी स्पेस है बट स्टिल हार्ड प्लास्टिक हर जगह दिया गया ये डिज़ाइन लैंग्वेज होंडे की ऑलमोस्ट तमाम गाड़ियों में सेम है आपके पास सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन पैसेंजर साइड पे भी दिया गया सीट्स देख सकते हैं और जे आपको ग्रेप करके रखते हैं सीट इस गाड़ी में सीट एयरबैग भी मुझे नज़र आया था कहाँ पे नज़र आया था यहाँ पे ये देख सकते हैं ये देर यू सी सीट एयरबैग है ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग है फ्रंट का व्यू काफ़ी बेहतरीन है ऑटो डिविंग एयर व्यू मेर पेनारोमिक्स सन है सो अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की ओ हेड जब डिस्प्ले में देखो वो इसकी एनिमेशन भी आती है जैसे इसके क्लस्टर में आ रही थी सो so, इस गाड़ी की अब प्राइस की बात कर लेते हैं वन करोड़ एट लाख रुपी से इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है ये गाड़ी आपको सेगल मोटर स्पोर्ट्स की सदर वाली ब्रांच पर अवेलेबल हो सकती है सो so, अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वेल गाइस दैट्स इट फॉर टुडे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्त है फिर बता दूँ दो हज़ार इक्कीस मॉडल पाँच हज़ार आठ सौ पैंतीस किलोमीटर चली हुई है इस्लामाबाद रजिस्टर है टू पॉइंट फाइव टॉप वेरियंट एक करोड़ आठ लाख रुपये इसकी आस्किंग प्राइस की जा रही है हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़